नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री मोदी की उस चुनौती का जवाब दिया है जिसमें मोदी ने राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती कांग्रेस को दी थी। ओडिशा का प्रभार संभाल रहे टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोदी उनके या किसी भी दूसरे कांग्रेसी के चेहरे के साथ राजीव गांधी के नाम के खिलाफ लड़ ले वो हार जाएंगे, उनकी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगी। तो पिछले तीन दिनों से मोदी लगातार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला बोल रहे हैं। जब कांग्रेस के नेताओं ने इसका जवाब दिया तो मोदी बाकी दो चरण को राजीव के नाम पर लड़ने की चुनौती दी। इसी पर टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है। भी गाली याद नहीं आती, कोई गाली मोदी जी को दी गई हो मुझे तो कोई गाली याद नहीं आ रही। ये बात जरूर है कि चौकीदार की जब बात होती है तो पब्लिक खुद ही उसमें रिस्पॉन्ड कर रही और उसका कारण है जिस तरह से राफेल डील को उन्होंने लोगों को अपने साथ अप्रत्याशित तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यापारी जा रहे हैं और डील्स कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के कमरों के बगल में उसी होटल में रह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डील्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात आई, यूरोप में भी ये बात आई, फ्रांस में भी ये बात आई, अमेरिका में भी ये बात आई, तो उस बात को देश के नागरिकों के सामने अगर विपक्ष नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? वो अगर उनके लिए गाली है तो फिर उनको गाली की परिभाषा नहीं मालूम। मोदी जी को बहुत कुछ नहीं मालूम, कभी वो अफगानिस्तान बोल देते हैं, कभी नालंदा कहां है बोल देते हैं, कभी कुछ कहां है। इतिहास के बारे में भी लगता है कि बहुत ज्यादा शाखाओं में उनको सही ज्ञान नहीं मिल पाया, तो उनके बयान अपने इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन सर, इन बातें राजीव जी के लिए ये बातें कहना जो विद्यमान नहीं है, जो दिवंगत हो गए हैं, क्या मोदी जी के वो सारे कारनामे 5 साल में देश को आगे बढ़ाने के खत्म हो गए कि उनको पुलवामा के बाद, और पुलवामा भी नहीं चला तो राजीव जी को याद करना पड़ रहा है? वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मेरे जैसा आदमी राजीव जी के नाम पे चुनाव लड़ लें वो हार जाएंगे। मोदी वर्सेस राजीव जी का चुनाव कर लें और किसी भी चेहरे को सामने कर दें वो चुनाव हार जाएंगे, राजीव जी के सामने वो टिकेंगे? जो वो खुद सेल्फी लेते हैं मोदी जी, वो राजीव जी की देन है। आज दूरभाष का इतना विस्तार हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था को आईटी का सेक्टर संभाले हुए है, वो उन राजीव गांधी की देन है जिन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था 20वीं सदी का सपना देश को दिखाने की बात जिस राजीव गांधी जी ने की थी। तो ये और इनके दल के लोग कहते थे, बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट में गए थे, ये वो लोग हैं जो आज राजीव जी का नाम लेके लड़ लें चुनाव, मोदी जी जमानत जब्त हो जाएगी। राजीव जी के नाम पे लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर शुक्ला जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुकेश शर्मा जो भाजपा प्रवक्ता हैं, राम अवतार तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी को हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, मुकेश शर्मा के पास जाएंगे। क्या अब चुनावी मुद्दे खत्म हो चुके हैं या फिर बीजेपी के पास अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा कि जो हमारे बीच अब प्रधानमंत्री नहीं रहे जो कि राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी अब हमारे बीच नहीं है, उनको अब चुनावी मुद्दा बनाकर घसीटा जाता है? मुकेश जी, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार के बातों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है और आज जो टीएस सिंहदेव जी ने बयान दिया है, ये टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के एक सौम्य चेहरा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार का बयान देके अपने आप को भूपेश जी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बनारस में प्रियंका गांधी जी का नाम चला, वो वहां से छोड़ के भागी। मुकेश जी, तो मुकेश जी अब इस पर भी आएंगे, इस पर आएंगे कि वो पहले मुकेश जी जो हमारा सवाल उसका जवाब दीजिए, क्या बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दा नहीं रह गया है? क्या चुनावी के लिए जो चुनौती है वो समाप्त हो चुकी है कि जो हमारे बीच अब नहीं रहा उसको अब चुनाव में मुद्दा बनाया जाए? इस बात का जवाब दीजिए मुकेश जी। देखिए मुद्दों को भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया है
वो अनर्गल बातें करते रहे, कभी नारे लगाते हैं और फिर उस नारे के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए था, उन्होंने भी संयम नहीं बरतना। और यदि भ्रष्टाचार वाला विषय आएगा तो निश्चित रूप से उस परिवार का नाम आएगा जिस परिवार ने लगातार इस देश में राज किया है, और उस परिवार के लोगों का भी नाम आएगा जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं। तो भ्रष्टाचार का विषय निकलेगा तो ये बात निश्चित रूप से आएगा, और ये चुनावी मुद्दे के अंतर्गत ही आता है। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से राजीव गांधी को बोला जाता है कि भ्रष्टाचारी नंबर वन, चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचारी राजीव गांधी को बोला जाता है, क्योंकि आप चौकीदार चोर, आपकी पार्टी से चौकीदार चोर का नारा लगा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी क्या इसका सपोर्ट करती है कि जो नहीं है उनके बीच में भी उनको लाया जाए, मुद्दा बनाया जाए, और आप भी बखूबी साथ दे रहे हैं? चंद्रशेखर जी, देखिए अभिषेक जी, बहुत छोटी सी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेके सामान्य कार्यकर्ताओं तक हताशा उनकी वाणी उनकी भाषा में झलकने लगी। छत्तीसगढ़ की हार से उबर नहीं पाए हैं, विकल्प और विकल्पहीनता की बात में उतर आए हैं। एक और जहां राजीव जी की देन पंचायती राज, आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, देश को समृद्ध करना, टेक्नोलॉजी देना, और इससे बड़ी चीज देश के गांव गांव में नवोदय विद्यालय खोलना जिसमें लाखों बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बन के आईएएस आईपीएस बन गए हैं, और ये उनकी उपलब्धि रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि देखें, इनके शिक्षा मंत्री की डिग्री कम हो गई है, कल तक ये 12 ग्रेजुएशन हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी जी के राज में आने के बाद ये 12वीं पास हो गई इनकी शिक्षा मंत्री। तो ये हाल इनके राज्य का, कांग्रेस पार्टी शुरू से बोलती है कि राफेल के मामले में दलाली खाई गई है, और जो चौकीदार बनता है वो कहीं ना कहीं दाल में काला है। हमने किसी अन्य से माफी नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि मामला अंडर प्रोसीजर है इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए खेद व्यक्त किया गया, कोर्ट का सम्मान किया है, माफी नहीं मांगी है, कोर्ट का सम्मान किया है, न्यायालय प्रक्रियाओं का सम्मान किया गया है, क्योंकि न्यायालय। लेकिन हम फिर कह रहे हैं गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बाबा साहब ने भी एक प्रश्न उठाया कि जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उनके पीएम साहब के बाजू कमरे में रुका करते थे, पीएम साहब के साथ दौरे में जाया करते थे, विदेश मंत्री नहीं जाती थी, रक्षा मंत्री नहीं जाती थी, वरिष्ठ नेता नहीं जाते थे, जाता कौन था? अनिल अंबानी, जिसके ऊपर आरोप है चोर है, जो डिफाल्टर हो गया है, जो बगावड़ा हो गया है, जिसकी सारी कंपनियां डिफाल्टर हो गई, आज वो राफेल का काम करने जा रहा है, खुदा ना खासा कल हमला हो गया और एक नट बोल्ट कम हो गया, अगर राफेल से नहीं दे पाया तब इस देश का क्या होगा? हम जांच की बात कर रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं और अनगलन पलाप कर रहे हैं, कहां की बात कहां ले जाते हैं। राजीव जी के ऊपर यदि आरोप लगाते हैं, पिछले सन 90 के बाद से गांधी परिवार का कोई आदमी पीएम नहीं रहा है, 17 साल विपक्ष की सरकार रही है जिसमें 12 साल तो भारतीय जनता पार्टी थी, जांच करा लेते, जांच करा के आरोप तय कर देते, सजा तय कर देते, नहीं कर पाए। मुकेश जी, चंद्रशेखर जी बड़ी हुए चुनौती है आपके लिए, अपनी हताशा को फैलाकर आपकी सरकार है तो आप जांच करवा लीजिए, तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? फिर अब जांच क्यों नहीं कराया आपने? मुकेश जी जवाब दीजिए, आरोप लगाते हैं वो भी चुनावी दौर में मंचों में, और हम देखिए 55 साल इस देश के अंदर में कांग्रेस की साल रही सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ और 15 पैसे नीचे तक पहुँचते हैं, इससे बड़ी स्वीकार्यता और कुछ नहीं हो सकती कि कहीं न कहीं व्यवस्था हमसे नहीं बन पा रहा है और कहीं न कहीं ये 85 पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। ये विषय इसीलिए आया है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की बात करने की कहीं कांग्रेस को हक बनता नहीं है, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, ऐसे अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और इन सब घोटालों की बात करेंगे, भ्रष्टाचार के बात करेंगे, बात निकलेगी तो ये सब दूर तलक जाएगी ही जाएगी। रही बात ये करते हैं कि राजीव गांधी ने क्या किया, यदि आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बैठे हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ को यदि स्थान मिला है पूरे देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान बनी है, तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी ही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, आज इसलिए छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश के अंदर में है। ठीक है, पिछले विधानसभा के अंदर 15 साल की हमारी सरकार थी, आपको जनादेश मिला है, बेहतर होता टीएस सिंहदेव जी कि जिस आधार पे इनको जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए, यहाँ शराबबंदी की बात लोगों से किए थे, शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ते,
इसको छोड़ के यदि वो प्रधानमंत्री के ऊपर में कि मैं उनसे चुनाव लड़ लूंगा, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से बेहतर अपने आप को ये मानते हैं, तो ये किस सोच के तहत बोल रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यदि जनादेश छत्तीसगढ़ में मिला है तो उस चीज का सम्मान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाषा में हताशा झलक रही है मुकेश जी के, भाषा में हताशा निराशा झलक रही है। हताशा निराशा 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चंद्रशेखर जी आप देखते रहिए, बहुत दिन नहीं है। पर बात करेंगे और अगला सवाल हमारा रामउतार तिवारी जी से होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, वो बात करेंगे कि क्या हकीकत में चुनाव के समय प्रधानमंत्री को इस तरह से बयानबाजी देना, इस तरह से मुद्दे उखाड़ना क्या शोभा देता है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ये जो हमारा विषय है इस पर हम बात करेंगे। सभी छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन, फिर एक बार मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का घमासान, आज है भोपाल के रण की बारी। के साथ भी प्रज्ञा बीजेपी की जीत के क्रम को रखेंगी बरकरार, या आपकी बात दिग्विजय कराएंगे कांग्रेस की नैया पार। राजा भोज की नगरी में कैसा है मतदाताओं का मूड, विकास ज्यादा या फिर वादे, जनता करेगी नेताओं से सीधे सवाल। देखिए सत्ता का संग्राम भोपाल से लाइव शाम 7 बजे। आतंकवाद को घर में घुसकर किसने मारा, आपके एक वोट ने मारा है, आपके वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर सिद्धि। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। हम चाहे देश पे आज ना आए, फिर दुश्मन कभी ना टूटाए, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हम मोदी जी को चुन रहे हैं, चुन रहे हैं, चुन रहे हैं, मोदी जी को चुन रहे हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, फिर एक बार मोदी सरकार। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के पन्ना लाल हाथों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात, घर का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, बताओ तुमने बंटा धार। अरे लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा, उससे भारत मजबूत होगा, आप सब मजबूत होंगे। फिर एक बार मोदी सरकार। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर सिद्धि। 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह किफायती दर पर चीनी, फिर एक बार मोदी सरकार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चुनौती। चुनाव में चुनौतियां होती हैं, लेकिन चुनाव में मर्यादा होती है, एक लिहाज रखा जाता है, एक लाइन होती है, बॉटम लाइन होती है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अब राम अवतार तिवारी जी के पास जाएंगे। राम अवतार जी, चुनाव में चुनौती होती है, लेकिन एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री होते हुए मोदी ने यह वक्त कहा है कि राजीव गांधी भ्रष्टाचार नंबर एक है, तो क्या ये सही है, एक प्रधानमंत्री को बोलना, चुनाव के समय बोलना कितना सही लगता है? देखिए अभिषेक जी, इसको राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो दो तरीके की बात आती है। पहले कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके ऊपर चौकीदार चोर के आरोप लगे हैं जी। वो कांग्रेस ने लगाया है, उसके बाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है पूरे भारत में। इसके जवाब में वो एक तरह से इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी के पिता पर उन्होंने एक तरह से हमला किया, और प्रियंका के पिता पर उन्होंने हमला करके क्या बताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की, एक मुद्दा दिया उन्होंने, मुद्दा जिसको अब तक मिस्टर क्लीन माना जाता था, उनको नंबर वन भ्रष्टाचार बताया। वो क्यों बताया? देखिए, अभी जो फेस का चुनाव होना है, वो चुनाव होना है पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, उन राज्यों में ज्यादातर पंजाबी हैं। तो अब वहां के समीकरण सिख दंगों के बाद जिस तरह से राजीव गांधी के ऊपर सिख समाज ने नाराजगी जाहिर की थी, तो उन मुद्दों को कहीं न कहीं राजनीतिक रणनीति के तहत वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कूटनीति है, राजनीति है। इस भाषण को आप भाषण ही ना मानिए, इसके पीछे की अपने चुनाव जीतने की रणनीति के तहत वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उन मतदाताओं को बड़े राज्यों के, तीन से ज्यादा राज्यों के चुनाव में उन मतदाताओं को लुभा के अपने तरफ ले जाने की, अपने पार्टी की तरफ ले जाने की कोशिश। सवाल सिर्फ यही था, सवाल ये राजनीति है। एक पत्रकार की दृष्टि से आप बताइए, सवाल आपसे ये था कि अगर बीजेपी के कोई दूसरे नेता बोले होते, अमित शाह बोले होते, अरुण जेटली बोले होते, चल जाता, क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री को बोलना, और जो हमारे बीच नहीं रहा, अगर उनको बोलना होता तो सोनिया गांधी को बोल देते, मनमोहन सिंह को बोले होते, उन्होंने राजीव गांधी को उठाया, क्या प्रधानमंत्री को बोलना सही है? आपसे सवाल ये था। देखिए अभिषेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रतिबिंब हैं, समाज में उनके प्रति एक नजरिया होता है, उनकी एक इज्जत है, उनकी कही गई बातों का एक वो रहता है कि एक संदेश रहता है। वो संदेश जो है प्रधानमंत्री किस तरह देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, तो ये एक एक परंपरा है, वो गलत है। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी या हमारे मोहल्ले में कोई या कॉलोनी में किसी की मौत हो गई है, उसके बारे में कोई बोलता है तो हम टोकते हैं कि किसी की मौत के बाद इस तरह की बातें नहीं कही कही जाती है, ये आ गई चली गई। तो हम एक भारतीय संस्कार, भारतीय समाज की बात करते हैं, और भाजपा और संघ तो इसका अपने आप को सबसे हकदार पार्टी मानती है। तो उनके एक बड़े चेहरे, सबसे बड़े चेहरे जिस तरह से इस तरह की बयान दे रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति की स्तर गिरना है, भाषा की स्तर गिरना है। कल को कोई और पार्टी इस तरह बोले तो राजनीतिक दलों में भी एक गिरावट आएगी। बिल्कुल, गिरावट को कौन रोकेगा, चुनाव कैसे रोकेगा, चुनाव में कुर्सी के लालच में क्या दिखाना चाहते हैं, बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपने राफेल का मुद्दा उठाया, आपने चौकीदार को चोर कहा, अब तो आप अगस्ता में फंस गए, आप अब बोफोर्स में फंस गए, अब तो आप खुद ही फंस गए हैं, जो आपने दाव खेला था वो आप पे भारी पड़ गया। देखिए अभिषेक जी, कहीं कोई नहीं फंसे, मैंने पहले भी कहा कि आपकी सरकार है, आप जांच करा के जो भी गलत है उसको दंडित कीजिए, आप उसके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। मैंने पहले भी कहा, आदरणीय राहुल जी उस बात को बार बार पूर्ण जोर कह रहे हैं कि कहीं आरोप मत ले, आप सरकार में आपका काम आरोप लगाना है, आपका काम निष्कर्ष तक पहुंचना, जांच करा के दंड देना है। आप आरोप लगा रहे, ये शोभा नहीं देता, यह तो गली छिछोरों वाली बात हो गई है। और जैसे आदरणीय राम अवतार, मैं थोड़ा और निचले स्तर में जाऊंगा, और मोदी जी ये भाषा सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, जीतने कर रहे हैं।
अभी आदरणीय मुखिल जी ने कहा, राजू जी ने कहा 15 पैसे पहुंचता है। राजू जी ने पहला बंबई अधिवेशन में प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद कहा था, और ये शब्द संवेदनशीलता की निशानी है, गरीब की हित की निशानी है। आपके राज में तो 1 रुपया निकलता है तो सीधे अंबानी जेब में पहुंचता है, और जो गरीब के पास बच जाता है उसको नोटबंदी और जीएसटी में आप छीन लेते हैं, 1 रुपये भी आप नहीं बचने देते। आप 85 पैसा 15 पैसे की बात करते हैं, ये राजू जी की संवेदनशीलता थी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आपको पूरा अवसर मिला, जनता ने आपको मौका दिया, आप कुछ काम नहीं करा पाए, अरे कम से कम भ्रष्टाचार की जांच ही करा लेते, आरोप लगाते हैं जांच करा लेते, जांच करा के दंड दे देते। जवाब सरकार का, आप देश को कुछ नहीं पाए, रोजगार नहीं दे पाए, चलो माफ, आप देश को विकास नहीं करा, चलो माफ, आपने देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी, चलो माफ, आपने डीजल पेट्रोल रेट बढ़ा दिया, चलो माफ, आप देश संकट में है अभिषेक जी, चलो माफ, आप करा लेते। इनकी मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की मजबूरी है, महिला मंडन का इनके पास सरकार है, ना इनके पास मंत्री है, ना ये मजबूरी है, हार इनके मजे में नजर आ रहा है, क्योंकि ये हार ही है। जी चंद्रशेखर जी, अब मुकेश जी को बोलने दीजिए, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पैक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पैक हो चुका है मुकेश जी, आप लोगों क्या होगा ये बात, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, पैक हो चुका है, आप लोगों को क्या होगा, चंद्रशेखर जी अब सुन लीजिए, अब आप बोल चुके हैं, अब आप भी सुन लीजिए, मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए, सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मजबूरी है, आपके पार्टी के नेताओं की मजबूरी है, आप एक परिवार के महिमा मंडन कर रहे हैं, आप लोगों की मजबूरी है, आपके लिए आपके लिए पार्टी है, परिवार है, एक परिवार है पार्टी, आपके लिए एक परिवार की पार्टी है, हमने तो कभी नहीं कहा कि परिवार को क्यों बनाया, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रज्ञा ठाकुर को क्यों, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा आतंकवादी को क्यों लड़ा रहे हो, यार बोलो हमारी क्या आप जांच की बात कीजिए, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास सादा नजर आ रही है, तर्क नहीं है। अच्छा मुकेश जी, अगर आपके पास विषय है, आपके पास मुद्दा है, तो आप उन मुद्दों को क्यों लेकर नहीं आए, आप उन मुद्दों को लेकर आइए, आप क्यों लेकर नहीं आए मुकेश जी, क्यों नहीं बात हुई विकास की, क्यों नहीं बात हुई करोड़ रोजगार, मुकेश जी चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए, क्यों नहीं आया, कहां 15 लाख कहाँ चला गया, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई, चंद्रशेखर जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातों को बीच में टोकने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, माहौल बना रहे हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, चोर मचाए शोर हो रहा है और कुछ नहीं है, बैठे हैं चोर लोग शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर वाली कहानी हो रही है, बस चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, अरे क्या हाल है, मुकेश जी की बात सुन लीजिए, मुकेश जी अब आप बता रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे, दूसरे मुद्दे लेकर आप क्यों नहीं आए, आपके पास और भी मुद्दे रहे होंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, बोल लीजिए, बोलिए मुकेश जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए, छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं, हाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर में आप देखिए IIM IIT एम्स IIIT यूनिवर्सिटी कार्यकाल में आया, कार्यकाल में आपके मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, आप GDP क्या था, GDP स्तर क्या था, ठीक है मुकेश जी आप अपनी बात रखिए, अंतिम सवाल राम अवतार जी के पास, राम अवतार जी सीएस सिंहदेव ने जो जवाब दिया है बीजेपी पार्टी राजीव गांधी को देख के, उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव में लड़ते हैं कोई भी साधारण सा कांग्रेस का प्रत्याशी हरा सकता है, राम अवतार जी जिस तरह से सीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये हरा सकते हैं राजीव गांधी को, अगर किसी के सामने रखा जाए तो अभी भी कांग्रेस की जीत हो सकती है क्या, शुक्ला जी अब राम अवतार तिवारी जी, तिवारी जी आप जवाब दीजिए, बोलिए, दोनों नेताओं के बीच में कोई सुनाई नहीं दिया, इतने हल्ला मचाए, बिल्कुल ये बोला कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है कि राजीव गांधी को और मोदी के आमने सामने कर दिया जाए और कांग्रेस का कोई भी एक लीडर छोटा सा प्रत्याशी भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा, क्या आज भी राजीव गांधी की छवि इतनी बनी हुई है कि वो प्रधानमंत्री, क्या प्रियंका गांधी उचित नहीं थी, क्या प्रियंका गांधी सुटेबल नहीं थी बनारस के लिए, राहुल गांधी आप जवाब दीजिए, बनारस आप लोग शांति का परिचय दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्यों छोड़ के चली गई, जी तिवारी जी आप जवाब दीजिए, देखिए राजनीतिक दल के नेता जो है चाहे कांग्रेस को और भाजपा को,
अपने दल की निष्ठा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार बात कर रहे हैं, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है भाई। मोदी जी आज के डेट में देश के सबसे लोकप्रिय बड़े नेता हैं, ये तो मानना पड़ेगा। चाहे वो आलोचना किस रूप में कर सकते हैं, परंतु स्वीकारता और लोकप्रियता में है, उनका एक जनाधार है। तभी वो तीन बार के गुजरात के सीएम रहे, सबसे बड़े मोहम्मद के साथ लोकसभा में वो सीटें लाए। आज भी उनके कई लोकसभा क्षेत्र में उनका एक आधार है, उनके नाम से, उनके लहर के नाम से कई ऐसे लोग जीत सकते हैं, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तब बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राहुल जी यही समझना चाहिए कि अगर चुनाव लड़ रहा है, चुनौती है, तो आज के समय में देखा जाए। चलिए हमारे साथ आप जुड़े राहुल तिवारी जी और हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब सवाल यही उठता है कि चुनाव में चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनाव में एक मर्यादा होती है, एक दहलीज होती है, जिसको पार नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।